बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फीलिंग वेल। टुडेज लेक्चर मैथमेटिक्स ग्रेड 5। सो ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 11। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स, सॉरी एडिशन ऑफ नंबर्स पहले हमने देखे थे सिंपल, उसके बाद न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए थे। तो आज हम देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम कोई से भी दो नंबर ले लेते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो आइए हम एक दो नंबर लेते हैं, उनको सब्ट्रैक्शन से देखते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हमारे पास नंबर है, एक नंबर है हमारे पास 2 3 4 9 8 7 5 7 3, और दूसरा हमारे पास जो नंबर है वो है हमारे पास 1 2 2 और 2 5 4 and 3 4 1। ये हमारे पास दो नंबर हैं स्टूडेंट्स, इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन का साइन हमारे पास ये होता है, माइनस का साइन, ठीक है। तो जिस तरह हमने एडिशन में प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया था, तो अब यहाँ पे भी हम प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेते हैं, उससे आपको इजीली समझ आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं प्लेस वैल्यू चार्ट बनाता हूँ। तो स्टूडेंट देखें आप, मैंने प्लेस वैल्यू चार्ट बना लिए। तो प्लेस वैल्यू चार्ट आपने किस तरह बनाने हैं, सबसे पहले जो आपके पास नंबर होते हैं उनको काउंट करना है, ठीक है, कि कितने डिजिट नंबर है। तो ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास 8 डिजिट नंबर है। तो हमने 9 डिजिट नंबर है, तो हमने 9 डिजिट्स का ही प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मैंने प्लेस वैल्यू चार्ट बना लिया है। तो अभी हम ये जो नंबर्स हैं इनको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखते हैं, ठीक है। तो लिखने का मेथड आपको आता है, सबसे पहले हम ये वाला नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले होगा 3, फिर होगा 7, फिर 5 7 8 9 4 3 and 2। उसके बाद जो ये वाला नंबर है हम इसको लिखेंगे 1 4 3 4 5 2 2 2 and 1। ये हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में अपने नंबर्स लिख लिए हैं, ठीक है। अभी हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। सब्ट्रैक्शन का साइन ये है हमारे पास, सब्ट्रैक्ट करेंगे इस नंबर से इस नंबर को, ठीक है, ये ऊपर वाले नंबर से हम नीचे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब हम 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जब हम 3 में से 1 माइनस करेंगे, फॉर एग्जांपल एक में आपको देखें आप, ये हमारे पास 3 पेंसिल्स हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि ये एक पेंसिल जो हमारी है इसको हम माइनस करते हैं, फॉर एग्जांपल हम किसी को दे देते हैं। तो अगर हम जब एक पेंसिल इन तीनों में से दे देंगे तो हमारे पास कितनी पेंसिल बच जाएंगी, कितनी बचेंगे स्टूडेंट्स, 2, ठीक है। तो ये हमारे पास 2। तो इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह होगी कि जब हम 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2, उसके बाद 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, 3, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2, और 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 3, 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 3, 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 7, ठीक है, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2, और 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1, और 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन रिजल्ट आ गया, इन दो नंबर्स की सब्ट्रैक्शन आ गई, ठीक है। हमने इस नंबर में से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट किया तो जो हमारे पास आंसर आया है ये है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका होमवर्क क्या है कि आपने कोई से भी इस तरह दो नंबर लेने हैं, 5 5, ठीक है, 5 5 आपने कोई से भी 5 5 नंबर लेने हैं, ठीक है।
उनको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, उनको सब्ट्रैक्ट करना है और अपनी रफ नोटबुक पे लिख के मुझे सेंड कर देना है, ठीक है, रफ नोटबुक पे लिख के मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करना है। और साथ साथ आप आ जाएं स्टूडेंट्स अपनी एक्सरसाइज 1.2 पे, पेज नंबर 13, ठीक है। उस पे जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग, ये जो पहला वाले जो क्वेश्चन दो पार्ट्स दिए हुए हैं, इनमें आपने एडिशन करनी है। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि एडिशन कैसे करते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें सब्ट्रैक्शन करनी है, जो मैंने अभी आपको बता दिया कि सब्ट्रैक्शन आपने कैसे करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें भी सब्ट्रैक्शन ही करनी है, कि सब्ट्रैक्ट फर्स्ट नंबर फ्रॉम सेकंड नंबर, जो पहला नंबर पहले नंबर में से सेकंड नंबर को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसी तरह आपने ये क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हैं, इनको आपने सॉल्व करना है रफ नोटबुक पे, और उसके बाद आपने उसको नीट नोटबुक पे लिख लेना है और उसकी मुझे शॉर्ट सी वीडियो या पिक्चर बना के मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। चले मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।